हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को कुछ ही स्टेप से डार्क ग्रीन एंड ग्रे टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, और भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना, एंड हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, एंड अपनी गैलरी से एक फ़ोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ, एंड यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को लेता हूँ, जैसे मैं इस वाले फ़ोटो को लेता हूँ, एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो लाइटरूम ऐड हो चुकी है, ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर हमारी फ़ोटो, इस पे क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फोटो लाइटरूम ओपन हो चुकी है, एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाएंगे हम कलर टूल पे, इस वाले आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, टेम्परेचर की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +29, एंड यहाँ से टेंट की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे, तो टेंट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +25, एंड यहाँ से सेचुरेशन की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +8, एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से जाएंगे ऑरेंज कलर पे, एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो गाइस, इसे रखते हैं -14, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी माइनस करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो सही लगे, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -42, एंड यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे, तो इसे रखते हैं +14, एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे, एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को कर देंगे -100, एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी करेंगे -100, एंड यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो इसे रखते हैं +20, एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे, एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी भी ह्यू की वैल्यू को करेंगे -100, एंड यहाँ से इसकी भी सेचुरेशन की वैल्यू को कर देंगे -100, एंड यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, तो गाइस इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -15, एंड ऊपर से कर देंगे डन। एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रेडिंग का ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर सबसे फर्स्ट में शैडोज का ऑप्शन, तो गाइस इस पर क्लिक करेंगे, एंड अपनी फिंगर की सहायता से फिंगर को कुछ इस टाइप से स्लाइड करते हुए इसकी ह्यू एंड सेचुरेशन को हम अपनी फोटो में मिलाएंगे। तो गाइस, इसकी ह्यू है 173 एंड सेचुरेशन है 40, एंड यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -20, एंड यहाँ से ब्लेंडिंग की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो गाइस ब्लेंडिंग की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +85, एंड यहाँ से बैलेंस की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे, तो बैलेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +46, एंड नेक्स्ट जाते हैं थर्ड वाला ऑप्शन पे, जो कि है हाईलाइट का ऑप्शन, तो गाइस इस पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से इसकी भी ह्यू एंड सेचुरेशन को मिलाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसका भी ह्यू एंड सेचुरेशन को अपनी फोटो में परफेक्ट रूप से मिला देता हूँ। तो गाइस, इसकी ह्यू है 241 एंड सेचुरेशन है 51, एंड यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो गाइस इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +20, एंड ऊपर से कर देंगे डन। एंड नेक्स्ट जाते हैं लाइट के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से कॉन्ट्रास्ट की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +10, एंड यहाँ से हाइलाइट्स की वैल्यू को हम माइनस करेंगे, तो गाइस हाइलाइट्स की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -41, एंड यहाँ से ब्लैक की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -21, एंड नेक्स्ट जाते हैं इफेक्ट का ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, एंड यहाँ से टेक्स्चर की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे, तो टेक्स्चर की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -6, एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, तो गाइस क्लैरिटी की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +26, एंड यहाँ से डीएच की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे, तो डीएच की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम +12, एंड यहाँ से वीनेट की वैल्यू को हम माइनस की लेके जाएंगे, तो गाइस वीनेट की वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम -50, एंड यहाँ से मिड पॉइंट की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, तो मिड पॉइंट की वैल्यू को अपने फोटो के सब्जेक्ट के हिसाब से रखनी है। ठीक है, तो मैं इसे रखता हूँ 14,
एंड यहाँ से फेदर की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करेंगे हम प्लस 60। एंड नेक्स्ट जाते हैं डिटेल के ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ठीक है, तो इससे रखते हैं प्लस 10। एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं, स्मूथ रहे। तो गाइस इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं 20। सो गाइस हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है, तो आप देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर कुछ इस टाइप से। तो गाइस आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोग को एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड एक्सेप्ट डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।